नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने जा रहा है। तो अभी हमारे साथ हैं एडवोकेट कौशलेश कुमार सिंह जी, जो जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। अगर मुद्दे पे बात करें तो आप बताइए, चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में सबके अपने अपने अलग मुद्दे होते हैं, हमारे भी मुद्दे हैं। आप जनपद न्यायालय में आई होंगी तो सबसे बड़ी समस्या है कि वाहन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये पैदल चलना दुर्लभ। अधिवक्ता अगर कोई समय बीमार हो जाएगा तो फर्स्ट एड नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जबकि हमारे यहाँ पूर्व से ही जिला अधिवक्ता संघ का एक स्टैंड मिला हुआ बना हुआ है, लेकिन अधिवक्ता अपने वाहन की असुरक्षा की दृष्टि से वहाँ नहीं रख रहे हैं, जिससे यह समस्या पैदा हो गई है। सर्वप्रथम मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से मिलकर उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है उसको समाप्त करूँगा और यह उनको विश्वास दिलाऊंगा कि जिला अधिवक्ता संघ आपके वाहन को सुरक्षित रखेगा, इसलिए आप वाहन अपना स्टैंड में रखें और इस समस्या में सहयोग करें, इसी में सभी अधिवक्ताओं का हित। सर, अगर बात करें गंदगी की, और हमने सुना यहाँ पानी की बहुत सारी समस्या है बहुत ज्यादा, और महिला अधिवक्ता के लिए टॉयलेट की बहुत समस्या है, तो इसके लिए आप सोचेंगे क्या है? नहीं, आपकी आपने जो सुना है उससे मैं सहमत हूँ। यहाँ गंदगी इस समय बहुत है। स्वच्छता, जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ स्वच्छता प्रथम प्राथमिकता होती है। मैं भी जीतने के बाद स्वच्छता पर विशेष ध्यान दूंगा। महिलाओं का कोई वॉशरूम नहीं है स्पेसिफिक, यह बहुत ही दुखद है जी। इस विषय में पहल करके जनपद न्यायाधीश से, माननीय उच्च न्यायालय से और अपने अधिवक्ता बंधुओं से मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान तत्काल निकाला जाए। अगर बात करें महिला अधिवक्ता की, तो जिला जो कचहरी, जिला की कचहरी, उसमें महिला अधिवक्ता बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं जी। जब हम लोग प्रैक्टिस में आए थे तो एक आध दो महिलाएं प्रैक्टिस में, अब इस समय महिलाओं की संख्या करीब 150 हो गई और उनको वर्तमान कार्यकारिणी ने महिला अधिवक्ताओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक अलग से पद क्रिएट किया है, जो पहला उदाहरण है कि वर्तमान कार्यकारिणी ने महिलाओं को ध्यान देते हुए महिला प्रतिनिधित्व के लिए एक उपाध्यक्ष पद सृजन किया है संविधान में संशोधन कर, जो इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान जिला अधिवक्ता संघ और अधिवक्ता हमारे मित्र लोग सब महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए तत्पर है। अच्छा, अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो महिलाओं के हित के लिए क्या करेंगे? क्या देखिए, मैं महिला या पुरुष में कोई विभेद नहीं मानता, उनके लिए अलग से चैंबर बता रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ का हर अधिवक्ता मेरे परिवार का सदस्य, क्योंकि जिला अधिवक्ता संघ जो है विभिन्न परिवारों का एक संगठन है, और मैं हर अधिवक्ता को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का है, मैं उसका अपना पारिवारिक सदस्य मानता हूँ, और पारिवारिक सदस्य होने के नाते वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अधिकार है। मैं सबको समानता की दृष्टि देखूंगा, उनके हर दुख दर्द में शामिल रहा हूँ, रहूँगा, और उनके हर समस्या के निदान के लिए एक परिवार के मुखिया की हैसियत से तत्पर रहूँगा। तो सर, क्या जिला अधिवक्ता संघ हाई कोर्ट की तरह जिला अधिवक्ता निधि का निर्माण नहीं करा सकता, इससे अधिवक्ताओं को और सुरक्षित सुविधा मिलेगी? आपको शायद जानकारी नहीं है, अधिवक्ता निधि जिला अधिवक्ता संघ में पूर्व से ही बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष और मंत्री दोनों का ज्वाइंट खाता होता है। जैसे कोई बीमार होता है तो अपना बैठक करके तुरंत उसको तत्कालिक निधि से मुहैया कराते हैं पैसा, मरने पर 50,000 और 1,00,000 आम सभा करके देते हैं। तो निधि की व्यवस्था नहीं करना है, निधि की व्यवस्था ऑलरेडी है जी। उसका सदुपयोग करके अच्छे ढंग से सब लोगों के बीच में ले जाना है और सबको संतुष्ट करके जो है उसका अनुपालन कराना है। अच्छा सर, ये बताइए, जो हापुड़ जैसे घटना घट जाती है, इसके पीछे क्या कारण, आप क्या वजह मानते हैं? अब वजह देखिए, हमारी समझ से वजह कई हो सकती है। जैसे हमारे अधिवक्ता बंध भी जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कभी कभी उस तरह के व्यवहार न करके ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं
जिसे समस्याएं पैदा हों जी। तो परिवार के मुखिया के नाते मैं अपने पहले परिवार को जी आचरण और सदाचार की शिक्षा दूंगा कि जो भी समस्याएं हैं आप प्रॉपर फोरम से हमसे बताइए या पूर्व अध्यक्षगण मंत्रीगण जो भी पदाधिकारी हैं जिनको आप मार्गदर्शक मानते हैं उनसे बताइए, झगड़ा तरफ न जाइए, हम लोग जो है उसको बातचीत से सामंजस्य से उसका हल निकालेंगे, आपकी परेशानी दूर होनी चाहिए। इसीलिए अधिवक्ता संघ में लोग चुने जाते हैं, इसीलिए अधिवक्ता संघ बना हुआ है, इसलिए आप लोग अपने हाथ में कानून न लेकर के अधिवक्ता संघ के माध्यम से आइए, आपकी हर समस्या का समाधान। सर हमने सुना है कि यहाँ पे जो पार्किंग की सुविधा है सही नहीं है यहाँ पे, तो उसके वजह से अधिवक्ता की मृत्यु भी हो गई है हार्ट अटैक से, कि समय से एम्बुलेंस ना आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। बात क्या ये अधिवक्ता की लापरवाही नहीं है? नहीं, बात आपकी सही है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है अधिवक्ता साथी के, उसमें दुख व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, क्योंकि वाहन इतने ज़्यादा अंदर खड़े हो जाते हैं जिससे तत्कालिक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। जब तक अधिवक्ता बंधुओं को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, उनको जो है बातचीत के माध्यम से कन्विंस नहीं किया जाएगा, तब तक वो तैयार नहीं है। हम उनको तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, हम उनसे मिल बैठ करके सारी चीज़ें बताएँगे, इसके बाद वो वाहन अपना अगर वहाँ स्टैंड में खड़े करेंगे तो इस तरह की समस्या नहीं होगी और प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। सर ये बताइए कि अधिवक्ताओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या होना चाहिए? अब देखिए, आर्थिक और सामाजिक समस्या के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन भाषण देने से काम नहीं चलेगा, चूँकि हमारे संसाधन कम हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हर अधिवक्ता को अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ, इसलिए उसको परिवार की हैसियत से जो स्नेह प्रेम दुलार दिया जाएगा वो दिए देंगे, जो आर्थिक स्थिति के बारे में भी होगा स्वयं करेंगे या सामाजिक संस्थाओं से मिल करके उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तमाम जो है डॉक्टर्स हैं शहर के, उनसे अनुरोध करेंगे कि अधिवक्ता बंधुओं की प्राथमिक इलाज किया करिए, जो भी पैसा लगेगा उसको संघ किसी न किसी ढंग से मुहैया कराएगा, वो सामाजिक संस्थाओं को से अनुरोध करके मदद की जाएगी। सर ऐसा आपको ये नहीं लगता कि हाँ अधिवक्ताओं को इसके हेल्थ के लिए और सुविधा चाहिए और एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए जिससे अधिवक्ताओं के लिए सही रहे और उनके परिवार का भी अच्छा ट्रीटमेंट हो सके? नहीं, बात आपकी सही है, अधिवक्ता नहीं हर आदमी को प्राथमिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। भारत देश में प्राथमिक स्वास्थ्य की बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन दिन पर दिन सुधार हो रहा है, उस दिशा में मैं भी प्रयास करूंगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिल करके यहाँ एक छोटी हॉस्पिटल टाइप के एक डॉक्टर दो कंपाउंडर बैठते हैं, मैं प्रयास करूंगा एक दो बेड जो है तत्काल यहाँ मुहैया करा दिया जाए, जिससे तत्काल किसी की कोई ज़रूरत हो तो उनको भर्ती करके जो है इलाज कराया जाए, प्रयास किया जाए। जी सर, आजकल अधिवक्ताओं की जरूरत हर जगह पड़ती है, अधिवक्ता जैसे कि बुद्धिजीवी होते हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि अधिवक्ताओं की सीट आरक्षित होनी चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद में भी? अब ये तो निरंतर और लंबी लड़ाई की बात है, होनी चाहिए। जब वही शिक्षक संघ की सीट होती है तो अधिवक्ता भी एक समाज का सजग प्रहरी है, उसकी भी सीट होनी चाहिए, वहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस विषय में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जब मैं अध्यक्ष होऊंगा तो बात विचार करूंगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात को रखा जाएगा, और आशा एवं विश्वास है कि जिस तरह से शिक्षक संघ का सीट है उस तरह से अधिवक्ताओं की सीट भी होगी। सर जैसे कि जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होता है वो हर साल होता है, तो आपको नहीं लगता कि इसका कार्यकाल 2 साल या 5 साल कर दिया जाए? 2 साल 5 साल कार्यकाल के कोई औचित्य नहीं होता, परिवार में जो है हर समय बदलाव होना चाहिए। अगर हम हैं अच्छा काम करेंगे, परिवार की तरह हरी अधिवक्ताओं के व्यवहार करेंगे तो दोबारा हमको चुनेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं चुनेगा, चुनाव 1 साल ही होना चाहिए। अगर कोई नया अध्यक्ष बनता है तो उसको तो सिस्टम समझने में ही समय लग जाता है 2-3 महीना, उसके बाद अगर वो काम करेगा तो 1 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। सिस्टम समझने में महीना 2 महीने लग जाता है, सिस्टम बना हुआ है,
अनवरत जब से संघ बना है वो सिस्टम से ही चल रहा है, उसी सिस्टम को थोड़ा बहुत बदलना है और उस सिस्टम को क्रियान्वित करना है। सिस्टम समझने में समय नहीं लगता। मतलब आपके कहने से, आपका कहने का मतलब है जो हर साल होता है वो सही है? सही है, जो आदमी, हर आदमी अपने हिसाब से करता है, जो रहता है उस करता है और जो आएगा उससे बेहतर करने का प्रयास करेगा। सर, ये कचहरी में हमेशा हड़ताल रहती है, तो क्या इससे वादी प्रतिवादी पर प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, हड़ताल से वादकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मुकदमे पेंडिंग है, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की स्थिति बहुत जर्जर है। लेकिन अब प्रयास किया जाएगा, हड़ताल कोई जानबूझ करके नहीं करता, हड़ताल के मुद्दे होते हैं। जैसे हम अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना हो गई, FIR नहीं दर्ज हो रही है, तो अधिवक्ता संघ के पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि वो कोई और एक्शन करे। वो यही करता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करता है कि हमारी बात सुनी जाए। हड़ताल ये मुद्दा है। हड़ताल अगर प्रशासनिक के अधिकारी और जुडिशियल अधिकारी सामंजस्य अधिवक्ता संघ से बना चलें तो कभी हड़ताल की समस्या होगी ही। मैं जिला अधिवक्ता संघ में मंत्री रहा जी। मेरे कार्यकाल में आप पता कर लीजिएगा, सबसे कम हड़ताल हुई और वादकारियों का न्याय मिला, किसी प्रकार का कोई विवाद न तो न्यायिक प्रक्रिया में हुआ और न तो प्रशासनिक प्रक्रिया में। सर, अगर आप अध्यक्ष चुन ले जाते हैं तो आप अपने वादे कितने पूरे करेंगे या फिर जैसा अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा सारा कुछ? हम अगर अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो मैं वादा नहीं करता, कर्तव्यों में विश्वास करता हूँ। जो भी अधिवक्ताओं का लिए जरूरी है उसको हर मांग को पूरा करूँगा, वादा मैं कभी नहीं करता, मैं कार्यों में विश्वास करता हूँ। मैं मंत्री रहा, एक हफ्ते के अंदर 12 खम्मा, 84 खम्मा और मुख्तार खाना हर जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करा दिया था। जैसे मैं अध्यक्ष बनूंगा, एक हफ्ते के अंदर हर जगह आप जनपद न्यायालय में आके निरीक्षण कर लीजिए कि पानी की व्यवस्था सकुशल रहेगी, स्वच्छता एकदम सुनिश्चित रहेगी, वाहन की भी समस्या समाप्त करके दिखाऊंगा। तो सर, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अधिवक्ता अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या इस पर रोक नहीं लगना चाहिए? रोक लगनी चाहिए, रोक के लगने से काम नहीं चलेगा। मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं को बुला करके बैठा करके उनको समझाऊंगा कि इस तरह के आचरण से समाज में हम लोगों की छवि खराब होगी, आप इस तरह के आचरण करिए, कोई भी समस्या होगी तो आप संघ के माध्यम से आइए, आपकी समस्या का निदान होगा। आप अपने हाथों में कोई भी कानून न लीजिए, किसी को डायरेक्ट परेशान। सर, क्या जिला अधिवक्ता में कभी बार और बेंच को लेकर समस्या आती है? आती है, जहाँ कई परिवार के लोग रहेंगे वहाँ समस्या का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका निदान भी होता है। हम बतौर अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष, मंत्री, तमाम पदाधिकारियों से बात करेंगे, इसके बाद न्यायिक अधिकारियों से बात करेंगे, उससे सामंजस्य स्थापित करके समस्या का निदान करेंगे। अगर कोई समस्या नहीं निपटती है तो उसके लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक न्यायाधीश से बात करेंगे, और जुडिशियल अधिकारी की गलती रहेगी तो जुडिशियल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना संतुष्ट करेंगे। तो सर, मेरा अंत में यही सवाल रहेगा, आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अधिवक्ताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि आप एक पारिवारिक सद्भावना की भावना व्यक्त करें, और जो आपको सबसे बेहतर परिवार के लिए काम करने की इच्छा शक्ति रहता है, आपके बीच में रहता है, उसको आप अपना पदाधिकारी चुनिए, और जिससे भविष्य आपका भी सुंदर हो और जिला अधिवक्ता संघ का भी सुंदर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट कौशलेश कुमार सिंह जी थे, जो जिला अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ता संघ जो है वो उनका परिवार है, वो उनको परिवार की तरह मानते हैं। अगर वो अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो जैसे एक परिवार का मुखिया परिवार के लिए काम करता है, वो वैसे ही अधिवक्ता के लिए काम करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MP Talks को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो सुप्रिया शर्मा के साथ।